नमस्कार, हिमाचल अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। पुलवामा के अवंतीपोरा में आतंकी मुठभेड़, हिमाचल प्रदेश का जवान शहीद। बीजेपी सरकार ने बिगाड़ी हिमाचल की आर्थिक सेहत, दिल्ली से लौटने के बाद बोले सीएम सुक्खू, कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। अपनी ही पार्टी पर बरसे पूर्व सीएम शांता कुमार, बोले मनीष सिसोदिया साफ छवि वाले नेता, सीबीआई ने बिना अपराध के जेल में डाला। हिमाचल सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी, शिमला में 2 मार्च को बुलाई विधायक दल की बैठक, 14 से शुरू होगा बजट सत्र। कॉलेजों को ही अप्रूव करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा नियंत्रक ने सभी प्रिंसिपल को दिए आदेश। शिमला के रामपुर में भीषण आग, खल्टी गांव में मकान जलकर राख, झुलसने से महिला की मौत, 3 गायों 5 भेड़ों की गई जान। अब समाचार विस्तार से। पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश का जवान शहीद हो गया। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के अंतर्गत पृथ्वी गांव के निवासी सिपाही पवन कुमार के शहीद होने की खबर सुनते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि शहीद का पार्थिव शरीर बुधवार को श्रीनगर से हवाई मार्ग से शिमला में लाया जाएगा। इसके बाद पैतृक गांव पृथ्वी में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलवामा के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारा गया एक दहशतगर्द हाल ही में पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 8 दिन प्रदेश से बाहर रहने के बाद आज शिमला लौटे। उन्होंने शिमला पहुंचते ही एक बार फिर से प्रदेश के खराब आर्थिक हालात के लिए पूर्व बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार हिमाचल पर 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ गई है। कर्मचारियों व पेंशनर का नए वेतनमान और डीए के एरियर के 11,000 करोड़ छोड़कर जयराम सरकार सत्ता से बाहर गई, इसलिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमें सख्त फैसले लेने होंगे। उन्होंने कहा कि 1952 की नोटिफिकेशन के कारण हिमाचल में विभिन्न विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए उन्होंने केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से FCA FRA के मामले जल्द निपटाने का आग्रह किया। वरिष्ठ बीजेपी नेता शांता कुमार ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को साफ छवि का नेता करार दिया, कहा कि आम आदमी पार्टी ने 5 साल काम कर दिल्ली में फिर से सरकार बनाई है। केंद्र में बीजेपी सरकार के नीचे रहते हुए भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बुरी तरह से परास्त किया है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया साफ छवि वाले नेता हैं, परंतु आज वो जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। कहा कि सीबीआई ने बिना किसी अपराध के उनको जेल में डाल रखा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में राज्य सरकार को घेरने के लिए बीजेपी 2 मार्च को रणनीति तैयार करेगी। बीजेपी ने गुरुवार को शिमला में विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। 14 मार्च से शुरू हो रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। बीजेपी सत्र के दौरान सरकार को घेरने का ऐसा कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है। इसके लिए पार्टी के नेता पूरी प्लानिंग के साथ सत्र में जाएंगे। विधायक दल की बैठक विली पार्क सर्किट हाउस में शाम 6 बजे के बाद शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत आने वाले प्रदेश के 140 कॉलेज में से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पर छात्रों को रजिस्ट्रेशन नंबर लेने में दिक्कत आ रही है। कारण ये कि कॉलेज प्रशासन ने अपने स्तर पर छात्रों को रजिस्ट्रेशन नंबर देने से इनकार किया है, और इसके साथ ही जो छात्र माइग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर रहा है तो उसे भी कॉलेज प्रशासन अप्रूव नहीं कर रहा। इस समस्या को लेकर लगातार छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में परीक्षा नियंत्रक की ओर से सभी कॉलेजों को निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी कॉलेज अपने स्तर पर छात्रों की रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेंगे, ताकि इससे किसी भी तरह की दिक्कत छात्रों को न आए। शिमला के रामपुर स्थित खल्टी गांव में हुए भीषण अग्निकांड में घर की बुजुर्ग महिला की चिता उनके घर में ही बन गई। यहां सोमवार रात एक मकान में आग लग गई, जिसमें झुलसने से 70 वर्षीय शुक्री देवी जिंदा जलकर मौत का ग्रास बन गई। अग्निकांड में 3 गाय और 5 भेड़ भी जिंदा जल गई हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार यह अग्निकांड शाहधार पंचायत के खल्टी गांव में पूर्व उप प्रधान मान सिंह राणा के घर में हुआ। इसमें उनकी माता शुक्री देवी की मौत हो गई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।